तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं वीवो Y95, चलिए इसको टर्न ऑन करते हैं अभी और पहली बार इस चैनल पर देखते हैं कि वीवो Y95 को कैसे सेटअप करें एंड वीवो कैमरा एंड म्यूज़िक। जैसे कि आपको पता है, वीवो इज़ फेमस फॉर इट्स कैमरा एंड म्यूज़िक, क्योंकि इवन एट द बजट प्राइस लाइक दिस, सी देखिए अभी ये अराउंड 15,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो इसमें आपको इवन हेडफोन्स भी, गुड क्वालिटी हेडफोन्स और रादर ईयरफोन्स कहिए, वो वाला भी इंक्लूड करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट मोबाइल तो लुक में बढ़िया है, बढ़िया यानी कि देखिए प्लास्टिक फिनिश है, कुछ ग्लास का, कुछ प्रीमियम फिनिश तो नहीं, लेकिन फिर भी फॉर दिस प्राइस रेंज चल जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट टच ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉयड वेलकम स्क्रीन एंड सेटअप योर फोन करके है, तो यहाँ पर आपको टैप करना है एक बार। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। देखिए अभी अपने रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो, डायरेक्टली यूज़र इंटरफेस, सारा का सारा यूज़र इंटरफेस आप उस लैंग्वेज में चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो अभी जस्ट मैं डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए इंग्लिश सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। आप अपना जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली वी आर इन इंडिया, तो हम इंडिया को सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट पर टैप करेंगे, इनके टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स को अग्री करना पड़ता है, तो जस्ट अग्री पर टैप कीजिए। ये देखिए ये है नेटवर्क, तो यहाँ पर आपको जो भी इंटरनेट है, घर में अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ता है। एंड अगर कुछ नेटवर्क्स भी आपके घर के नियर है तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करेगा, या फिर अपना भी नेटवर्क हो तो वहाँ पर बताएगा, तो उससे आप कनेक्ट कीजिए। अगर आपके पास अभी इंटरनेट नहीं है, ऐसे ही यूज़ करना चाहते हैं फ़ोन, बाद में कनेक्ट करेंगे, तो जस्ट टैप ऑन स्किप। तो ये गूगल सर्विसेज रिलेटेड है, यानी कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक अपना गूगल अकाउंट खोल लीजिए अगर आपके गूगल अकाउंट नहीं तो, लेकिन अगर आपका गूगल अकाउंट है तो साइन इन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गूगल सर्विसेज, मतलब कि जो ऐप्स रहते हैं वो यूजुअली लोकेशंस यूज़ करके कुछ गूगल सर्विसेज के लिए हेल्प करते हैं लोकेट करने के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि इन सारे चीज़ को आप डिसेबल कर दीजिए पहले, क्योंकि आप बाद में भी जब चाहिए तब मैनुअली ऑन कर सकते हैं। अभी अगर क्या होगा कि सारा चीज़ एनेबल कर देंगे तो बैटरी खा जाएगा, तो बैटरी बैकअप में ज़रूर इफेक्ट होगा ये सारा चीज़, तो डिसेबल करके आप एक्सेप्ट करके टैप करना है। नेक्स्ट यहाँ पर डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम ऑब्वियसली आप सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी टाइम हुआ है 4:02, तो वहीं रखेंगे 4:02 के बाद नेक्स्ट है सेट डेट January 5, 2019, तो इसके बाद ओके एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट टैप करने से यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस, तो आप फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं, फेस अनलॉक भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम ऐड फिंगरप्रिंट पर टैप करके यहाँ पर आइदर 4-डिजिट पासवर्ड हो, या फिर 6-डिजिट यानी नंबर का पासवर्ड हो, या फिर पैटर्न हो, या फिर अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड, आपको कौन सा पसंद है वो आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं जस्ट पैटर्न सेलेक्ट करूँगा एक सिंपल सा, दो बार करना है कन्फर्म एंड उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस है, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगता, आंसर करने में याद नहीं रहता है, तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे क्वेश्चंस है। आप इवन कस्टम भी, मतलब कि अपना खुद का एक क्वेश्चन बनाकर आंसर भी दे सकते हैं। तो वैसे करने के बाद आप नेक्स्ट टैप करना है, तो फिलहाल हम ABCDEFGH करके देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर टैप करना है, डन। तो डन होने के बाद रजिस्टर है फिंगरप्रिंट, तो ऑब्वियसली वीवो का रेयर फिंगरप्रिंट है ना, तो यहाँ पर जस्ट हम टैप करते जाएंगे अपने फिंगर को, तो देखिए रिकग्नाइज होता जाएगा, जस्ट टैप करते जाना है आपको, कुछ मूवमेंट ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल जस्ट टैप कीजिए। कितने सारे फिंगर्स का चाहिए उतने सारे फिंगर्स का आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे ऐड फेस, तो वहाँ पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली बोलेगा हो, तो देन वी विल ऐड फेस, तो ओके करके टैप करना है। तो ये रहा मेरा फेस, तो क्विकली मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, इतना भी जल्दी नहीं, लेकिन खैर इट वॉज़ वेरी क्विक। तो रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट 100%। उसके बाद सेलेक्ट सर्विसेज, सेलेक्ट सर्विसेज देखिए ये वीवो के रिलेटेड है, मतलब कि वीवो के यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना डेटा जो भी है उनको शेयर करना चाहते हैं, तभी जाकर आप इसको एनेबल कीजिए, अदरवाइज़ आप बिल्कुल डिसेबल कर दीजिए इसको, कुछ नहीं होगा। डिसेबल करके स्मार्ट अपग्रेड को एक ही एनेबल करना एंड अलाउ द सिस्टम टू यूज़ द परमिशन, क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टम को परमिशन देना पड़ेगा ना कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कैलेंडर यूज़ करने के लिए, तो ये दोनों एनेबल करके बाकी सब आप डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट पर टैप करने से इम्पोर्ट डेटा, यहाँ पर कुछ अदर ब्रांड्स अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, वैसे ही इनका इम्पोर्ट डेटा में ईजी शेयर है। अगर अपना पुराना डिवाइस है वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इम्पोर्ट पर टैप करें, अगर फ्रेश डिवाइस सेटअप करना चाहते हैं तो नॉट नाउ करके टैप करें।
एंड यूज नाउ, यहाँ पर कंग्रेचुलेशन, योर फोन हैज़ बीन सेट अप। तो यूज़ नाउ टैप करने से ये रहा ब्यूटीफुल लुकिंग होम स्क्रीन ऑफ द वीवो वाई 95 फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस टिडबिट्स चैनल। तो देखिए, वेरी फ्लूइड एक्सपीरियंस तो लगता है पहली बार कोई भी मोबाइल हो। टेयर ड्रॉप नॉच जो ऊपर दिख रहा है वो वाला है, ऊपर से अगर स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन एंड सर्च बार आएगा, तो आपको कंट्रोल सेंटर मिलेगा। एंड यहाँ से देखिए एम्बियंट सेंसर दिया है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आप रख सकते हैं, मैनुअल ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं, फ्लैश लाइट, एस कैप्चर, ऐसे ढेर सारे यूजफुल फीचर्स देते हैं वीवो। एंड क्विकली सेटिंग्स पर जाएंगे, सेटिंग्स पर जाने के लिए यहाँ पर टैप करना है, यहाँ से हम अबाउट फोन देखेंगे, इसके लिए मोर सेटिंग्स पर जाना है, तो मोर सेटिंग्स अबाउट फोन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, वही पुराना एंड्रॉयड वर्षन 8.1 चल रहा है इसमें, पता नहीं क्यों वीवो को नहीं लगा कि अपडेट करना है जल्दी। तो अगेन स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर क्लॉक डैट 1.95 गीगाहर्ट्ज़। तो नथिंग इंटरेस्टिंग, वीवो का जो फन टच ओएस है वो है 4.5 वर्शन, अगेन नथिंग मच इंटरेस्टिंग। बट खैर, इसका कैमरा देख लेते हैं क्योंकि स्टार ऑफ द शो वही तो है कैमरा। तो ये रहा यूज़र इंटरफेस ऑफ द कैमरा, देखिए ये है रेयर कैमरा टेक, फोटो मोड है, वीडियोस है, यार स्टिकर्स है, फेस ब्यूटी है, पेनोरामा, प्रोफेशनल मोड। हाँ, यहाँ पर इंटरेस्टिंग देखिए, प्रोफेशनल मोड में सारा का सारा फीचर्स दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा वीवो ने, दैट्स रियली ऑसम। तो गाइस, अगर ये मोबाइल आप रखेंगे, बाय कर रहेंगे, तो यू विल गेट दिस फुल फ्लैजेड कैमरा विच यू शुड बी हैप्पी ऑफ। देखिए ISO फ्रॉम 100 to 3200 जाता है, विच मीन्स आपको अच्छा पिक्चर्स आनी चाहिए इवन एट नाइट कंडीशंस। एंड देखिए शटर स्पीड फ्रॉम 1/12000, वाओ दैट्स वॉपिंग 12000, इतना फास्ट शटर स्पीड, जीनियस। सो 16 सेकेंड्स तक जाता है। एंड वैसे वाइट बैलेंस है, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, हाँ देखने में तो अच्छा दिख रहा है, हम इसको बिल्कुल टेस्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें कि टेस्ट करना है या नहीं, इसका रिव्यू भी जल्दी से करूँगा। तो ये है अल्ट्रा HD मोड जो कि फेमस है वीवो का, अराउंड 40 मेगापिक्सल का पिक्चर आप निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर जैसे कि सेटिंग्स है, हम इस सारी चीज़ को अलग से वीडियो में देखेंगे ऑफकोर्स। तो ये रहा एक ब्रीफ वीडियो अबाउट सेटिंग अप योर वीवो Y95 फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिए दोस्तों। ऑलराइट गाइस, सी यू ऑल इन अनदर वन, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।